ग्वालियर में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में सड़क पर हंगामा हो गया। यहां दोनों गुटों ने एक दूसरे को जमीन पर पटक कर पीटा। मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं रही, इन्होंने भी एक दूसरे के बाल पकड़कर जमीन में पटक कर घसीटा और लात घूंसे बरसाए। यह हंगामा पुलिस के सामने हुआ। जवानों ने इन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पुलिस ने दोनों ही गुटों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसका वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के भीकम नगर में राजकुमार राठौर और ट्विंकल भदौरिया रहते हैं। दोनों ही पड़ोसी हैं। बुधवार शाम राठौर परिवार के घर के सामने भदौरिया परिवार के लोगों ने अपनी चार पहिया गाड़ी खड़ी कर दी। इस पर राठौर परिवार ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर के महिला और पुरुष आमने सामने हो गए। दोनों के बीच मारपीट होने लगी। दोनों ओर से एक दूसरे को जमकर पीटा। सूचना पर एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा। उसने विवाद को शांत करने की कोशिश की लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। दोनों परिवार के लोग आपस में लड़ते रहे। महिलाओं ने भी एक दूसरे के बाल पकड़ कर खींचे, जमीन पर पटक कर मारा। वहां खड़े लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। गुरुवार सुबह पुलिस के पास भी ये वीडियो पहुंचा। हजीरा थाने के सीएसपी रवि भदौरिया का कहना है कि पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया था। पड़ोसियों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। दोनों ही ओर के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मामले में दोनों ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। इसमें राठौर परिवार के हार्दिक राठौर, विशाल और रचना राठौर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं भदौरिया परिवार के ट्विंकल, दीपक और प्रदीप भदौरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।